अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कर्नाटका स्टाइल में सांभर और डोसा। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 स्पून तेल और थोड़े गरम मसाले और थोड़े मेथी के दाने और चने की दाल डाल दिया है 1 स्पून भर के, और 1 प्याज, 3 टमाटर को मैंने कट करके डाल दिया है, और यहाँ पर मैं आधी कटोरी जितना नारियल है, कच्चा वाला नारियल, मैं इसे घिस कर डाल चुकी हूँ, और थोड़ा नमक डाल दिया है मैंने। डालकर 2 सूखी मिर्च डाल रही हूँ और 1 स्पून भर के यहाँ पर उड़द की दाल, या जो हम डोसे के लिए डालते हैं दाल, वो दाल है। मैं इसे थोड़ा अल्टी पल्टी करके मैं यहाँ पर अब आधा गिलास पानी इसमें डाल रही हूँ। डालकर मैं इसे 2 से 3 सीटी तक ढककर रख दूँगी। इस तरह ढककर रख के मैं इसे 2 से 3 विजल आने दूंगी। देखिए, अब यहाँ पर मैं ढक्कन हटा के इसे थोड़ा अच्छे से ठंडा कर लूँगी, ताकि हम जो मिक्सी के जार में डालकर पीसें तो कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अच्छे से ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पर पीस कर तैयार कर चुकी हूँ। रख लिया है मैंने 1 कढ़ाई, इसमें 2 स्पून तक का तेल, थोड़ा करे पत्ता और 2 से 3 सूखी मिर्च डालकर मैं यहाँ पर जो मसाला तैयार करके रखे थे उसे डाल देंगे। डालने के बाद मैं यहाँ पर ढेर सारा पानी डाल रही हूँ। जितना भी हमें पतला सांभर चाहिए उतना हमें पानी एडजस्ट कर लेना है इसमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं और थोड़ा पानी जार के अंदर जो मसाला थोड़ा था उसमें और थोड़ा पानी डालकर डाल लूँगी। देखिए, ये है MTR का सांभर मसाला पूरी। इसे मैं 1 पैकेट डाल रही हूँ। इसकी कीमत है 12 रुपये, 12 रुपीज़ का ये छोटा वाला पैकेट है। मैं इसे सारा मसाला इसमें डाल दूँगी और इसमें 1 स्पून तक का गुड़ डाल रही हूँ, ताकि ये मीठा वाला सांभर है, मीठा मीठा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह बनाकर देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें कोई वेजिटेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तरकारियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जल्दी से बन के तैयार भी हो जाएगा। बच्चों को टिफ़न बॉक्स में भी हम इसे डाल सकते हैं। देखिए, और थोड़ा मैं पानी जार में डालकर डाल चुकी हूँ। इतना पतला वाला सांभर हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, मैं इसके साथ खाने के लिए डोसा भी तैयार कर चुकी हूँ। डोसे की रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल में पहले से ही मौजूद है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। डोसा किस तरह तैयार करते हैं वो मैं सारी रेसिपी भी मेरे चैनल में है। देखिए, हमारा सांभर बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है, मज़ेदार सांभर। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।